कभी कभी ना जिंदगी में कुछ खोने के बाद ही कुछ करने का जज्बा जागता है। ऐसा ही कुछ हुआ निलय अग्रवाल की लाइफ में, जिन्होंने 2018 में अपने एक बेहद करीबी दोस्त को खो दिया था। और उनके चले जाने के बाद उन्हें रियलाइजेशन हुआ कि लाइफ कितनी अनप्रिडिक्टेबल है। निलय अग्रवाल के सामने जब एक रिसर्च सामने आई, तब उन्हें पता चला कि इंडिया में हर रोज 7,000 से ज्यादा लोग भूख के कारण मरते हैं और उन 7,000 में से 3,000 बच्चे हैं। शायद ये हम में से किसी को नहीं पता। निलय के मन में सोशल वर्क करने का ख्याल जरूर आता था, बट कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स के कारण ये ख्याल उनका बस ख्याल ही रह जाता था। अपने बेहद करीबी दोस्त को खोने के बाद निलय ने एक महत्वपूर्ण डिसीजन लिया और अपने फ्रेंड के नाम पे एक ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करी, विषय लक्ष्य फाउंडेशन। निलय का मानना है कि कोई भी बच्चा खाली पेट सोने का हकदार नहीं है, बल्कि हर बच्चे का हक है कि उसे खाना और हेल्दी लाइफ मिले, जिससे उसका बचपना हमेशा उसे याद रहे। निलय ने एक मिशन बनाया टू मेक इंडिया स्टार्वेशन फ्री, और उसके लिए उन्होंने अपने जन्मदिन 13 फरवरी, जिस दिन ग्लोबल रोटी डे भी मनाया जाता है, दिल्ली में खाली पेट तेज धूप में 30 किलोमीटर चल के भूखों तक खाना पहुंचाया। निलय के साथ करीबन 1500 यंगस्टर ने इस पहल में उनका हाथ थामा और करीबन 10,000 से ज्यादा लोगों को खाना पहुंचाया, वो भी एक दिन में। अगर कोई करना चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, और जब बात आती है सेल्फलेस निस्वार्थ भाव से किसी के लिए कुछ करने की, तो वो तभी पॉसिबल है जब आप खुद किसी के लिए कुछ अच्छा करने का सोच रखते हो। कोविड के दौरान भी निलय और उसकी टीम ने मिलकर 45,000 से ज्यादा जरूरतमंद लोगों को राशन के पैकेट्स पहुंचाए थे, और अभी तक करीबन 1 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को निलय और उसकी टीम ने मिलकर खाना सर्व किया है, वो भी फ्री में। निलय का मानना है कि कोई किसी से छोटा नहीं होता है, और शायद जो चीजें हमें बड़ी आसानी से मिल जाती है, वो कुछ लोगों के लिए सपनों जैसी होती है। चाहे वो खाना हो, खिलौना हो या घर हो, अगर निलय जैसी सोच रखने वाले कुछ और लोग और जुड़ जाएं, तो मेरा मानना है हिंदुस्तान में कोई भी भूखा नहीं सोएगा।